Please subscribe my channel and press bell icon all. अंशु मम्मी से, मम्मी आज मुझे ना सपना आया बड़ा प्यारा। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या था? कहता कुछ नहीं, मैंने धरती से एक कदम उठाया चांद पे, दूसरा उठाया मंगल पे, तीसरा उठाया बुध पे, चौथा उठाया बृहस्पति पे। अरे धीरे धीरे चला कर, एक ही चट्टी है तेरी, फट गई तो फिर क्या करेगा। ठंड का मौसम, आज का बड़ा डरावना दिन है, संडे का दिन है, बहुत डरावना, डर लग रहा है आज, मूड खराब हो गया। क्या हो गया? पत्नी ने पूछा। कहता कुछ नहीं, नहाने का मूड नहीं कर रहा, 20 बार टॉस कर चुका हूं कि नहाऊंगा तो हेड आए, ना नहाऊंगा तो टेल आए, 20 बार हेड आया। गोलू को 10 दिन की सजा हुई, बिस्कुट का पैकेट चुराया था, उसमें 10 बिस्कुट थे। जज ने कहा एक दिन की एक बिस्कुट की, 10 बिस्कुट है, 10 दिन की कैद। बड़ा परेशान हुआ। जब सजा का अनाउंस हो गया, ऑर्डर हो गए, तो कहते शुक्र है भगवान तेरा, सूजी का पैकेट नहीं चुराया था मैंने कहीं। नई प्रोसन आई। बिंदु ने पूछा मैम आपका नाम क्या है? कहती जी मेरा नाम हे माँ है। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है, आप अपना नाम बदल लीजिए। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते आपके पति भी आपको हे माँ ही बोलते होंगे। FM रेडियो स्टेशन पर फोन बजा, रेडियो जॉकी ने फोन उठाया तो बिंदु बोला हेलो आप FM रेडियो से बोल रहे हैं? जॉकी जी हाँ, आप कौन? मैं बिंदु बोल रहा हूँ। नमस्कार। कहता नमस्कार, तो हम बताइए। कहते जी आपके रेडियो में इस समय सारा शहर मेरी आवाज सुन रहा है। हाँ जी सारा शहर आपकी आवाज सुन रहा है। कहता तो ठीक है, मेरी बहन को बोल देना कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैं जहाँ टॉयलेट में बैठा हूँ पानी खत्म हो गया है टंकी में, कृपया मोटर चला दे। नो 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 नो। पत्नी बोली आइए मैं आपके तेल डाल दूं। पति खुशी खुशी, अरे वाह आज तो पत्नी सर में तेल डाल रही है, बैठ जाए यार। बैठ गया, सिर पे तेल डाला उसने और चली गई अपना काम करने लग पड़ी। अब पति जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि मालिश करेगी, कुछ करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, उसने कुछ किया ही नहीं। आधे घंटे के बाद में पतिदेव उठे, पत्नी के सामने पहुंचे, ये क्या है? कहते कुछ नहीं, आज तो शनिवार है ना। तो फिर अरे पंडित जी ने कहा था कि शादी के समय तुम्हारा शनि जो है तुम पे भारी हो गया था, तो शनिवार को अपने इष्ट पे तेल डाला करो, जो भी तुम्हारा प्यारा देवता है उस पे इष्ट तेल चढ़ाना था, वो मैंने आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, मैंने आप ही पे चढ़ा दिया तेल। जब पति के सर पे तेल डल गया और पत्नी जो है वो पतली गली से निकल ली, तो पति ने वो सोचा, कहता यार शुक्र है पंडित तेरा बड़ा बड़ा, लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया, तूने तेल डालने को ही बोला था, कहीं नारियल फोड़ने को बोल देती तो मेरा तो काम हो जाता आज। एक बुढ़िया का दिमाग बहुत ही काला था,
और दामाद को उन्होंने बड़े सालों बाद अपने घर आया देख के कहा, दामाद जी अब आप एक महीने तक कहीं मत जाना। क्यों, क्या हो गया? बड़ी खातिरदारी मिलेगी आपको तो। सासुमा ऐसी कोई खास बात जिससे कि आप बड़ा प्यार दिखा रही हैं इतना? कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम इतने काले हो कि भैंस का कटरा मर गया है तो तुम्हें खड़ा कर दिया करेंगे तो वो दूध दे देगी। एक राज की बात बताऊं, अगर आपका वजन धरती पे 100 किलो है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, मंगल ग्रह पर आपका वजन 38 किलो आएगा, और अगर आप चांद पे जाओगे तो चांद पे तो 16.5 किलो ही रह जाएगा। तो आप मोटे कहां से हो गए, ओवरवेट कहां से हो गए? यहां नहीं है तो वहां रह लो। सिंधु ट्रेन से उतरा और उतरते ही उसे सामने अंशु मिल गया। अच्छा, उसने पूछा यार ये कौन सा स्टेशन है? अंशु बड़ी जोर से हंसा, 2 मिनट तक हंसता रहा, हा 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 हा, जैसे रावण हंसता रामलीला में। उसने कहा क्या हो गया यार, तुझे कोई गलत बात पूछ ली मैंने? कहता तुझे इतना भी नहीं पता ये रेलवे स्टेशन है? सब्जी बेचने लगा, नया नया आदमी था, उसको छींटे मार दिए, आदमी ज्यादा ही पड़ गई, कुछ ज्यादा ही बात होती है, दे पानी का छींटा, दे पानी का छींटा। सब्जी एकदम भीग गई, चद्दर बोरियां जो भी लगा रखी थी सब भीग गई, गिरी एकदम। तब वो फिर भी नहीं हटा, फिर भी दे छींटा दे छींटा, सब्जी ले लो, बढ़िया सब्जी सब्जी ले लो। सिंधु ने देखा, कहता अगर सब्जी को होश आ गया हो तो सब्जी ले लूं। बेटा तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। तो इसका इंग्लिश में करके बताओ, मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश कई बार में पहले हाथ तो लगा के दिखा। सत्यवाणी, चाहने वाले तो जीवन में बहुत मिल जाते हैं, मगर प्रवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। मगर प्रवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। राम राम जी, राम राम जी, हे ईश्वर बड़ी कृपा करी आपने, राम राम।